दोस्तों नमस्कार। आज हम ओम प्रकाश का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने हमें 16 तारीख का जो एग्ज़ाम्स हुआ था, थर्ड परीक्षा हुआ, हमें एग्ज़ाम्स की जो क्वेश्चंस है इन्होंने उपलब्ध करवा दिया। हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारी टीम की ओर से हम फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों आप इसे धन्यवाद के रूप में कमेंट के जरिए हमें ज़रूर कीजिए। इसका जो एग्ज़ाम्स हैं वो थर्ड परीक के अंदर था, 16 तारीख थर्ड परीक के अंदर क्वेश्चन थे, इनके द्वारा क्वेश्चन बताए गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं जो इनके द्वारा क्वेश्चन बताए गए हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों अभी तक आपने हमारा टारगेट ओनली जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक लाल बटन पर क्लिक करें और साथ में एक घंटे उसे भी क्लिक करें, जिससे कि राजस्थान पुलिस के प्रत्यक्ष एग्जाम्स और राजस्थान डेली करंट अफेयर्स जो हमेशा राजस्थान डेली करंट अफेयर्स होता है वो आप तक सर्वप्रथम पहुँचने के लिए बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें। ओम प्रकाश का फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए देखते हैं इनके क्वेश्चन जो दिए गए हैं। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार कितनी थी, तो 68 54 37 ये थी। रातानाडा एयरपोर्ट कहाँ है, जोधपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर। ये क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा गया था। अगला देखिए, विध्यांचल पर्वतमाला से कौन सी नदी का उद्गम स्थान होता है, चंबल नदी का उद्गम स्थान होता है। उसके अंदर बनास भी थी, लोनी भी थी। जो विध्यांचल पर्वतमाला है जो मध्य प्रदेश के अंदर है, कहाँ है, मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम स्थान होता है। चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में से गुजरती है। ये दक्षिण से आती है और पूरब के अंदर चली जाती है और उसके यमुना में मिल जाती है। ये यमुना में चली जाती है, यमुना की सबसे लंबी नदी है जो चंबल सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। आइए देखते हैं अगला। रामदेव जी के भक्तों को क्या कहते हैं, रिक्षा कहते हैं। ये मेघवाल भगत होते हैं, मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं, रिक्षा कहते हैं। रामदेव जी का मेला रूणेचा जैसलमेर के अंदर मेला लगता है। अगला देखिए, सांगानेर हवाई अड्डा कहाँ है, जोधपुर के अंदर। दोस्तों आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं इसकी स्थापना कब की गई थी, सांगानेर हवाई अड्डे की स्थापना कब की गई जयपुर के अंदर, इसकी स्थापना कब की गई आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। अगला देखिए, तेरे ताली नृत्य का संबंध किस वाद्य यंत्र से, मंजीरा। 13 मंजीरों के साथ में प्रयोग किया जाता है। कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है, तेरे ताली नृत्य भी किया जाता है जो रामदेव जी मेले का सबसे आकर्षण नृत्य है। और इसका उद्गम स्थान पादर लगाओ पाली से माना जाता है। अगला देखिए, हरदेव जोशी किसका मुख्यमंत्री बने, तो पहली बार 1973 से 1977, उसके बाद 1985 से 1988, उसके बाद 1990 से 1990। और इसका जो संबंध है वो खादू बांसवाड़ा से संबंधित है, ये क्वेश्चन से पूछे गए थे। अगला देखिए, एनएच बारह जयपुर झालावाड़ कोटा होता हुआ जबलपुर की ओर जाता है, जबलपुर में चला जाता, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है जबलपुर। NH-12 जयपुर से निकलता और झालावाड़ से होता हुआ कोटा से होता हुआ कहाँ जलता है, जबलपुर की ओर निकलता है। विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा किस मात्रा में होता है, आंवला में सर्वाधिक मात्रा में होता है। विटामिन सी एक्सकार्बिक अम्ल भी है विटामिन सी, और ये सवाल भी बार बार पूछा गया है। और साइट्रिक अम्ल में विटामिन में साइट्रिक अम्ल भी पाया जाता है। अगला देखिए, वृंदावन से मूर्ति की स्थापना किसने की थी, ये उदयपुर के अंदर वृंदावन से राज सिंह द्वारा की गई थी। और जो मानसिंह जयपुर का, वो शीला देवी की मूर्ति लेके आया था बंगाल के राजा केदार को हराकर, मानसिंह लेके आया था शीला देवी की मूर्ति जो जयपुर के अंदर है वो लेके आए थे। अगला देखिए, समर झील का निर्माण किसने कराया, वासुदेव चौहान। ये बिजोलिया शिलालेख के अनुसार है, बिजोलिया शिलालेख है उसके अनुसार ही इसका निर्माण किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने करवाया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, करौली में केला देवी का मेला कब लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। CS8 चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। राजस्थान में कपास सर्वाधिक कहाँ होता है, हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर सर्वाधिक होता है। अमेरिकन कपास सबसे ज्यादा वहीं होता है। और दोस्तों पूरे भारत की हम बात है, भारत में कपास में राजस्थान में कितना प्रतिशत हिस्सा है आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं दोस्तों, कि पूरे भारत का हम 100 मान लेते हैं, जैसे 100 है ये भारत का, उनमें राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। अगला देखिए, केंद्रीय राजस्थान में ऊन अनुसंधान बोर्ड टोंक के अंदर, अविकानगर टोंक जहाँ भेड़ अनुसंधान केंद्र भी है, और ऊन अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है, टोंक के अंदर। टोंक को नवाबों की नगरी कहा जाता है, ये मुस्लिम रियासत है। कैसी रियासत है, मुस्लिम रियासत है। अगला देखते हैं, विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है, रामेश्वर लाल डूडी है, और अध्यक्ष कौन है, कैलाश चंद्र मेघवाल इनके अध्यक्ष हैं।
अगला देखिए, ट्विटर में अधिकतम शब्द कितने होते हैं, 140 होते हैं, और टारगेट ओनली जीके को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्विटर के अंदर 140 होते हैं दोस्तों। अगर आपको 17, 18, अगर दोस्तों आप हम बात करते हैं तो आपके 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख तक आपके एग्जाम है, तो आप हमें कमेंट के जरिए पारी और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखें, जिससे हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर सके और आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताएं। मैं फिर से मेरे दोस्त का बिल्कुल हार्दिक स्वागत करता हूँ, ओम प्रकाश का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आप सभी की ओर से। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक ऐसा ही वीडियो के साथ में। फिर से जो 17 तारीख के पेपर आएंगे, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फर्स्ट पेपर, जैसे ही आते हैं हम जल्द से जल्द अपडेट कर लेंगे। और अपडेट करने के बाद दोस्तों आप शेयर करना ना भूलें, और देखते रहिए टारगेट ओनली जीके और डेली करंट अफेयर्स के लिए, राजस्थान डेली करंट अफेयर्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।